अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बड़ी एंटीक चीज़ लेके आया हूँ। ये पूरा हर्ड है थरी बुल्स का, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तकरीबन इसमें सारी गायें हैं, फीमेल जो होती हैं, और उसमें कुछ सिर्फ बुल्स हैं जो कि ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अभी देख सकते हैं ये बड़ा एक ख़तरनाक सी सिचुएशन बनी हुई है। ये स्टेयर कर रही हैं सारी मुझ पे, काउज और बुल्स आप देख सकते हैं, और एक एक करके ये उड़ती भी जा रही हैं, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। और अब मेरे साथ ये भाई हैं जिनकी ये बुल्स हैं, उनसे पूछेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाऊ चाल वाला दुआ दुआ अमन सब खैरियत आ खैरत खैरत ताजो नालो मोहम्मद आशिम। मोहम्मद आशिम, मैंने इनसे नाम पूछा तो बता रहे मोहम्मद आशिम। ये केड़ी नस्ल जो डगियों हैं, बताएं ना थोड़ा डगियों के बारे में। थरी नस्ल है। थरी नस्ल है। अच्छा, मैंने इनसे पूछा कौन सी ब्रीड की ये कैटल है या ये बुल्स और काउज हैं, तो ये बता रहे हैं थरी नस्ल है। इन जी छा खासियत है, छाजे ला रखी हुई आप बुधाई ना कुछ। यो खीर पीण ला, ये माँ धारण ला, खीर पीण ला धारण ला। अच्छा, मैंने इनसे पूछा किस लिए रखी जाती है, तो ये बता रहे हैं कि ये खीर खीर जो हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, और उसको हम लोग मिल्क बोलते हैं या दूध बोलते हैं, दूध के लिए रखी जाती है, दूध पीने के लिए और पालने के लिए। बो इनमें छा खासियत है इन डगियन में। जो वहाँ कैडी खासियत होती है भी खासियत को ना, ना भी काई को ना। अच्छा अच्छा मैंने इनसे पूछा कि इसमें क्या खासियत है, तो बता रहे हैं और कोई खासियत नहीं, सिर्फ दूध के लिए रखी जाती है और पालने के लिए रखी जाती है। अच्छा, इन्हें जी मार्केट घनी होंगी अंदाजन बताएं। मार्केट तकरीबन 70-80 लाख तक होंगी। 70-80 लाख तक है। अच्छा, ये मार्केट बता रहे हैं इनकी जो गायें हैं, इनकी मार्केट 70,000 से लेके 1 लाख रुपये तक की है। यानी जो अच्छी से अच्छी होगी वो 1 लाख रुपये तक की होगी, और जो नॉर्मल होगी जैसे एवरेज होगी गायें, तो वो 70,000 तक की एक ये सेल आउट कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों को ये जो थरी गायें और बैल है ये आपको पसंद आई होंगी, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार करेंगे। माल तैयार है। आओ सर, अरे आ गया फिर आगे आलू। अच्छा, बता रहे हैं कि चलें आगे से घूम के आते हैं, और ये इनसे बाकी चीज़ों का भी पता करते हैं हमारे जो भाई हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस जिस तरह हम लोग इनके करीब से जा रहे हैं, तो ये हमें स्टेयर करते हैं। सर ये बताए ना भाई जान, ये छा थेला है ना, ही छा थेल दस निशान आया टांको आया लंबे दिन लंबे दिन छा थो। अच्छा, इनसे मैंने पूछा तो ये क्या चीज़ हुई है, मुझे एक अलग ही निशान नजर आ रहा है, तो इनमें छा थो डगी सिंह आयो पो छा कया था इनके डंब देना। अच्छा, ये बता रहे हैं कि इसको एक दूसरी गाय ने ना सींग मारा था, तो उसकी वजह से फिर ये इसका जख्म हो गया था, तो इन्होंने फिर इसको डंब देना था। हाँ, आग का जो डंब बोलते हैं वो उससे जो आप लोग बोलते हैं गर्म करके कोई चीज़ लगाई थी ताकि इसका ये जख्म जल्द से जल्द सेट हो। तो आप देख सकते हैं ये स्टिचेस की तरह एक रूप में बन गया है। आइए मज़ीद इनके साथ थोड़ा आगे जाते हैं, और इनकी ये जो हर्ड है पूरा वो आपको दिखाते हैं। कितना अचू हिता अंदाजन घणो हिता ढूंढू डगियो बुधाइंदा कुछ अंदाजन घणो डगियो इन अंदाजे 200 कोन थी 200 कोन थी। अच्छा, बता रहे हैं 200 के करीब अभी इनके पास ये गाय और बैल। इनमें सब डगियो हैं या कुछ ढगा भी हैं? ढगो एकड़ो ही है। ढगो एकड़ो आ नंडा फर होला। अच्छा, नंडा फर। अच्छा, बता रहे हैं जो इसमें मेल है जो ऑक्स बोलते हैं हम लोग जिसको, वो इसमें एक ही है, और बाकी जितनी भी सारी हैं ये 180-170 के करीब इसमें गायें हैं, और 10-12 मेल किड्स हैं, और बाकी एक इसमें ब्रीडर है मेल, जो कि आप देख सकते हैं वो ब्लैक कलर का हमें नज़र आ रहा है। उनके ढगे केड़ा खणी ना था वेजो करे खणी था ढगे के तो वेजो करे खणी जो देखो सा ना। अभी इनको मैंने बोला है कि इनका जो ब्रीडर है जो ऑक्स है उसको ये थोड़ा सा आगे लेके आ जाए ताकि हम लोग देख सकें। ढगे के थोड़ा आगे खड़ी है जो, असल में वहाँ अंदर जाना काफ़ी ख़तरनाक होगा क्योंकि ये यहाँ के लोकल लोग हैं और इन्होंने अपने ड्रेसेस पहने, तो इनसे वो डर नहीं रही। मैंने जैसे पैंट शर्ट पहने हुए हैं तो उससे ये काफ़ी सारे स्टेयर कर रही हैं, और ये सारी वार्निंग की सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है कि कोई ख़तरा है इनके ऊपर, तो इसलिए मैं इसके आगे जाना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी ख़तरा होगा। अभी इनको मैंने बोला है कि जो इनका ब्रीडर है ऑक्स वो मुझे बाहर ला के दिखाएँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं ये
ये जो ब्रीडर है अब ये बता रहे हैं कि थोड़ा पीछे हो जाएं, ये हिट भी कर सकता है, काफ़ी डेंजरस है। थोड़ा अगते खड़े ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं ये ब्रीडर आ रहा है, थरी ब्रीडर, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई हुई है, और ये देख रहे हैं आप काफ़ी अग्रेसिव भी है, और इसके सींग भी काफ़ी हैवी स्ट्रक्चर के हैं। आप देख सकते हैं बनिस्बत ये जो गाय हैं उनके सींग थोड़े पतले हैं, इसका जो ब्रीडर है इसके सींग काफ़ी थोड़े मोटे भी हैं, और ये अग्रेसिव भी लग रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आज की ये जो थरी बुल्स और काउस पे जो वीडियो है आपको ये पसंद आई होगी, और इतना बड़ा हर्ड आपने इस टाइम पे नहीं देखा होगा, क्योंकि बकरा ईद का सीज़न है, लोग दो या चार लेके आते हैं अपनी कुर्बानी करने के लिए, लेकिन ये मैंने आपको पूरा एक 200 का हर्ड दिखाया है थरी बुल्स और काउस का। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।